अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों के लिए हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी अहम जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कतर जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वीज़ा निकलना शुरुआत हो चुका है। कतर अब धीरे धीरे पूरे तरीके से ओपन भी कर रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, किसी भी देश के आप लोग हो, तो आपके लिए दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि कतर जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना है और क्या चीज़ आपको साथ लेकर जाना है और क्या चीज़ आपको साथ लेकर नहीं जाना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कतर जाते हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कतर जाने के वक्त बैग में ऐसी कोई भी सामान अपने पास ना रखें जो वहाँ पे इलीगल हो। अब दोस्तों, इसकी जानकारी आप एजेंट से पूछ सकते हैं या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट होता है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कतर में इलीगल होता है पर आपके मुल्क में नहीं होता है, चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, वो आपके मुल्क में नहीं होता है पर कतर में उसे इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में पहले अच्छी से जानकारी ले लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो वहाँ पर इलीगल माना जाता हो। दूसरी बात को ये ध्यान देना साथियों, आप जब भी कतर जाएँ तो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो को दोस्तों कम से कम 10-15-20 कम से कम आप साथ में रख लीजिए। और वो पासपोर्ट फ़ोटो रखना है दोस्तों जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो। व्हाइट बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को मत रखिएगा क्योंकि वो काम नहीं आता है, ब्लू बैकग्राउंड वाले को फ़ोटो रख लीजिएगा। अब दोस्तों, फ़ोटो रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब कतर आप जाओगे तो बिना फ़ोटो का आपको दोस्तों काम नहीं होगा, और यदि आप वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हो तो 10-15 रियाल 20 रियाल तक का आपका खर्चा आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर महंगा हो जाता है। तो जब भी आप वहाँ पर जाओगे तो फ़ोटो ज़रूर रख लीजिएगा साथ में जिसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पर बेफजूल का खर्च करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं आपको बताना कि अपना ब्लड ग्रुप का जांच आप जरूर करवा लें। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ब्लड ग्रुप जांच करवाना क्या जरूरी है, तो ब्लड ग्रुप को जांच करवा के अपने पास आपको उसका सर्टिफिकेट रखना है। ऐसी जगह से आपको ब्लड ग्रुप का जांच करवाना है जो मान्य रखता हो, जहां पे आपके देश में उसे माने जाता हो, अच्छी क्लिनिक हो, वहीं पे आप जाके चेक करवाएं। अब दोस्तों, वो ब्लड ग्रुप काम क्या आएगा आपको, जब कतर पहुंचोगे तो आपको इकामा लगाते वक्त दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप मांगा जाएगा, जो कि ब्लड ग्रुप यदि आप नहीं दे पाओगे तो आपको वहाँ पर 15-20 रियाल उसका भी खर्च हो जाएगा और ज़्यादा भी हो सकता है। और यदि आप नहीं देते हो तो फिर आपका जो कफ़ील होगा वो जो मन चाहेगा वो आपका दे देगा ब्लड ग्रुप, जिसके बाद वहाँ पे वो ब्लड ग्रुप डाल दिया जाएगा। अब जब हेल्थ कार्ड जब आपका बनाया जाएगा तो उस वक्त भी आपका वही ब्लड ग्रुप रहेगा जो कफ़ील आपको वहाँ पे दिया गया है। तो इस बात को ध्यान देना दोस्तों, ब्लड जाँच अपना जरूर करवा लें ताकि ये सब दिक्कतों का आपको दिक्कत ना हो। और एक बात का ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप लेके जाएं आपका पेपर साथ में होना चाहिए दोस्तों, हार्ड कॉपी साथ में होना चाहिए, और सब ऑनलाइन रखने की कोशिश ना करें, हार्ड कॉपी अपने पास रखें और आप अपने बैग में ही अच्छे से रखें। अब दोस्तों, दूसरी बात आप बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी के थ्रू भी आप जा रहे हैं, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू कतर जा रहे हो, कोई कंपनी के थ्रू, कोई एजेंट के थ्रू, या किसी के थ्रू भी आप जा रहे हैं कतर में काम करने, जॉब करने, तो दोस्तों एग्रीमेंट जो है आप ध्यान दीजिएगा 2 साल से ज़्यादा का कभी मत बनाइए। एक साल का बनता है पर एक साल का नहीं बनाइएगा, कम से कम 2 साल का बनाइएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब दोस्तों यदि आप 1 साल का बनाते हो तो कतर यदि आप जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस लेने में ही, वहां के समझने में, वहां का हालात को समझने में आपको 1 साल लग जाता है, उसके बाद आपका तुरंत जो वीज़ा है वो एक्सपायर कर जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 2 साल का ही बनाइएगा ताकि यदि आपको समझ में आए तो वहाँ पे दूसरे साल आप काम कीजिएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपने मुल्क चले आइए, उसके बाद फिर नया वीज़ा जहाँ पर अच्छी सैलरी आपको दी जा रही है वहाँ पर आप जा सकते हो। पर दोस्तों यदि आप 5 साल तक, यदि 5 साल का एग्रीमेंट यदि आप करवा लेते हो तो बिना आपको 5 साल किए हुए आप वहाँ कंपनी को नहीं छोड़ सकते हो। इसकी वजह ये रहती है कि आपको फिर वहाँ से NOC निकालना पड़ता है, जब तक आपको कंपनी NOC देगी नहीं तब तक कंपनी आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और यदि ऐसा हो गया कि यदि आपकी कंपनी अच्छी पैसा नहीं दिया तो यदि 5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हो तो फिर आप वहाँ बिल्कुल वहाँ पर फंस जाओगे, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा आगे चल के। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, कभी भी 5 साल का एग्रीमेंट नहीं करना, और 1 साल का कोशिश कीजिएगा, नहीं कीजिएगा 2 साल का सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने अब तक शेयर किया, मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ सीखने को वीडियो में मिला होगा। तो मिलते साथियों इसी तरह के कतर की जानकारी को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।